हेलो फ्रेंड, आज हम कढ़ी बनाएंगे। इसके लिए हमने पकौड़े की रेमेडी पहले ही तैयार कर ली है। इसमें हमने प्याज, बेसन, हरी मिर्च, नमक, हल्दी ये सब डाल दिया है। कढ़ी के लिए हमें प्याज, नमक, मेथी दाना, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, बेसन, बेसन एक कप लिया है हमने, अदरक लहसुन का पेस्ट, इमली का पानी हमने तैयार कर लिया एक कप है। अब हम पकौड़ी को तल लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाए तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मेथी हमारी ब्राउन हो गई है, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया। हरी मिर्च डाल देंगे, कटी हुई प्याज रखी थी हमने वो डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेना है। इसमें अब हम ये रेमेडी डाल देंगे। इसके बाद इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे जम सकता है। इसको बराबर चलाते रहें। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये गाढ़ा दिख रहा था, अब बिल्कुल परफेक्ट है ये। एक चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसको खूब पकने देंगे। जब ये खूब अच्छी तरह से पक जाए तो इसके बाद हम इसमें पकौड़ी डालेंगे। हमने पकौड़ी को ढककर पका लिया है, ये खूब पक गई। इसको 5 मिनट तक ढककर पकाना है। अब मेरी कढ़ी पूरी पक गई है। अब इसमें हम पकौड़े डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। एक उबाल आने के बाद इसको बंद कर देंगे। अब ये बन गई है, पकौड़ी भी अच्छे से पक गया है। आप इसको देख सकते हैं, बन गया है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।